प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आज सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित कलेक्ट्रेट पर भारत कम्युनिस्ट पार्टी के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता एक पीड़िता के साथ भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जहां उनकी मांग है कि बीते दिनों एक लड़की के साथ कुछ युवकों ने बलात्कार किया था, जिसमें 4 आरोपी जेल जा चुके हैं, लेकिन अभी भी 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं। आज पीड़िता अपने परिवार और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ भूख हड़ताल पर बैठे हैं और बाकी के फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जानकारी देते हुए पीड़िता के मां का कहना है कि आज हम डीएम साहब के ऑफिस पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 7 मुलजिम में से 4 मुलजिम जेल में बंद हैं। फेसबुक गुलाम जिलानी और जिशान नाम के 3 मुलजिम अभी भी फरार चल रहे हैं। इन्होंने मेरी लड़की के साथ बलात्कार किया था। हम यहाँ पर जब तक बैठे रहेंगे जब तक ये गिरफ्तार नहीं हो जाएंगे। हमने संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस मिलीजुली चल रही है। रिपोर्ट के आधार पर 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 3 लोग अभी भी फरार चल रहे हैं, 3 लोग खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हम ये चाहते हैं कि वे तुरंत ही जेल जाएं, वरना हम वहीं पर बैठे रहेंगे। मौके पर पहुंचे सीओ सिविल लाइन ने कार्यवाही का आश्वासन देते हुए धरना समाप्त कराया। मेरा नाम रोहतास कुमार राजपूत है और मैं कम्युनिस्ट पार्टी मालेरे का जिला प्रभारी हूँ। आज ये हमारा धरना मुरादाबाद में जिला अधिकारी और SSP महोदय के कार्यालय समक्ष चल रहा है। मुरादाबाद के अंदर मझोला थाने में, बागवाड़ा थाने में गैंग रेप की रिपोर्टें दर्ज हुई हैं। इन दोनों थानों की पुलिस अपराधियों से साठगांठ कर रही है और जो बलात्कारी हैं, जो सेक्स रैकेट चलाते हैं, वो पुलिस के संरक्षण में खुले हुए रहे हैं। और यहाँ पीड़िता SSP महोदय के यहाँ लगा रही हैं, DM साहब के यहाँ लगा रही हैं, DIG महोदय के यहाँ चक्कर लगा रही हैं, लेकिन अपराधियों की गिरफ्तारी मुरादाबाद की पुलिस नहीं कर रही। दूसरा मजेदार खेल, मझोला थाने में मुकदमा संख्या 1130/21 धारा 376D 323 IPC 5/6 500 Act के तहत शफीक और रुखसार आदि का मुकदमा पंजीकृत है। शफीक को जेल भेज दिया गया जो मुख्य अभियुक्त, लेकिन बाकी जो 4-5 थे वो खुलेआम पुलिस के रहमो करम पर घूम रहे हैं और पुलिस के साथ बैठ कर चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। जो 5 नंबर पर अपराधी है, मुकदमा संख्या 1130 में रुखसार, उसने कटघर पुलिस से मिल करके जो जयंतीपुर में रहती है और उसका मकान है, और रात में उन्होंने रहमत नगर का एड्रेस दिखा दे, और जो इस मुकदमे में पैरवी करा कासिम अली, उसके खिलाफ बलात्कार का मुकदमा कटघर में दर्ज करा दिया। और कटघर पुलिस ने बिना किसी सबूतों के, बिना किसी जांच के उस निर्दोष मरीज को, जो हार्ट पेशेंट भी है, उसको कल जेल भेज दिया। हम पूछना चाहते हैं यहाँ के अधिकारियों कि आपने एक मजदूर को जो निर्दोष है उसे तो तुरंत जेल भेज दिया, और जो अपराधी हैं वो खुले घूम रहे हैं, वो बलात्कारी खुले घूम रहे हैं, वो पीड़िताएं यहाँ बैठी हैं, क्या चाहते हैं? लेकिन जो है वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं ये पुलिस न्याय के लिए बनाई है और इनसे महिलाएं न्याय की गुहार लगी हैं, लेकिन न्याय की उम्मीद इनसे उठ गई है। उन बलात्कार को, गैंगरेप करने वालों को, सेक्स रैकेट करने वालों, उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो, और पुलिस ने जो फर्जी मुकदमा कासिम के खिलाफ लिखा है उसे तत्काल निरस्त किया जाए, और मुकदमा लिखाने वाली जो रुखसार है उसकी गिरफ्तारी तत्काल हो। ये पाकबड़े का मामला ये है, पाकबड़े में एक रैकेट चलता था और उसी में इस नाबालिग बच्ची को उन्होंने फंसा लिया अपने जाल में। इसके साथ गैंगरेप हुआ, इसने पाकबाड़े में दर्ज कराया, लेकिन जो इनके साथ पैरवी कर रहे थे वहाँ की पुलिस ने भी हम साझ होकर उन्हीं के खिलाफ एक मुकदमा लिख दिया। पैरवी करने वालों के दबाव बना तो वो मुकदमा निरस्त हुआ, और बागवाड़े की पुलिस उन अपराधियों को, जो जिलानी जो मेन है पर और गुलाम है, जो फैजान है, इनको वहाँ की पुलिस बचाने में लगी हुई। पुलिस कह रही है हम जांच करा रहे हैं, हम जांच कर रहे, और आज तक वो अपराधी नहीं पकड़े जा रहे और इन पर दबाए जा रहे हैं। जिलानी जो है किसी पार्टी से जुड़ा है? मैं नहीं कह सकता किससे जुड़ा हुआ, लेकिन तार कहीं ना कहीं पक्ष है, उसके तार लगे हुए हैं, इसीलिए उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही।